हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट स्टडी चैनल और आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं इम्पोर्टेंट जो ऑल वर्ल्ड हैं उसके मुख्यालयों को याद करने के आसान तरीके हैं वो जो हम अलग अलग स्प्लिट करके सभी को अलग अलग याद करेंगे और जो आपके लिए काफ़ी आसान होगा, आप बिल्कुल आसानी से उसको याद रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इसमें रूल फर्स्ट इज इफ द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद वर्ल्ड और इंटरनेशनल, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है वो वर्ल्ड से स्टार्टेड है, मतलब स्टार्टिंग में उसके वर्ल्ड आया है या फिर उसके स्टार्टिंग में इंटरनेशनल आया है, तो उस और वो जो पूरा कंप्लीट नेम है ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म हुआ है। स्टार्टिंग में मतलब वर्ल्ड है, यहाँ पे बीच में कुछ भी उसकी बॉडी आएगी और लास्ट में आया है उसके ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका जो हेडक्वार्टर होगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, जिनेवे में होगा। जिनेवा, जिनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। ओके, जिनेवा है स्विट्ज़रलैंड में। इसमें जो रूल था स्टार्टिंग में वर्ल्ड होगा या फिर इंटरनेशनल होगा और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा शहर है उसके अंदर उसका हेडक्वार्टर होगा। अब देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो है ये जिनेवा में हेडक्वार्टर है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग में वर्ल्ड आया है लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन, तो कहाँ पे होगा, जिनेवा में होगा। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग में वर्ल्ड है लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन है, जिनेवा में होगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का भी कहाँ पे होगा, जिनेवा में होगा। एक इसमें आया है एक IMO इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसको छोड़ करके इंटरनेशनली IMO जो है वो सिर्फ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये IMF दूसरी चीज़ है, ये दूसरी है, तो सिर्फ IMO को छोड़ करके और सभी का जो चलेंगी स्टार्टिंग में जिसके इंटरनेशनल लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन होगा जिनेवा शहर में होगा। जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ISO का भी जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में होगा। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी कहाँ पर होगा, ये भी होगा जिनेवा में। तो ये थे हमारे जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर थे। अब जो सेकंड ट्रिक की अगर हम बात करते हैं, रूल नंबर सेकंड इज जो हेडक्वार्टर लंदन में है, ओके, यूनाइटेड किंगडम में जो हेडक्वार्टर हैं उनसे रिलेटेड बात हम करेंगे। तो इसमें एक पूरा सेंटेंस हमको याद करना है, आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन। तो इसमें सिर्फ चार हेडक्वार्टर आएंगे, आई से, एम से, कॉमन से और लंदन से। लंदन तो इसमें जाहिर सी बात है कि वो हेडक्वार्टर है ही। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आई से है IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैं पहले इसको IMF बोल रहा था, वो गलत था वहाँ पे। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पे होगा, ये होगा यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में इसका हेडक्वार्टर। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एम से क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी कहाँ पे होगा, लंदन में होगा। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस लंदन में, एंड कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ पर होगा, लंदन में। अब आता है रूल नंबर 3, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल मनी और मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो मनी से रिलेटेड है, मतलब जो पैसे से रिलेटेड है, तो वो उसका जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पे होगा, वाशिंगटन DC, और ये कहाँ पर है, USA में है, अमेरिका में है।
तो सबसे पहले तो आएगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी जो है किससे रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, और वर्ल्ड बैंक भी किससे रिलेटेड है, पैसे से, मनी से रिलेटेड है, तो हम उसको बोल देंगे ये वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर होगा। रूल नंबर 4, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम से या फिर एटॉमिक से, तीन चीज़ों से रिलेट होनी चाहिए वो इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम या फिर एटॉमिक, अगर इन तीनों में से एक से भी रिलेटेड है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वियना में होगा, जो कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया शहर में। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है, ऑस्ट्रिया एक यूरोप कॉन्टिनेंट में देश है। इसमें सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल आ गया, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे होगा, वियना में, ऑस्ट्रिया में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वियना में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये तीन थी जिसके वियना में हेडक्वार्टर थे। अब आती है फिफ्थ नंबर का रूल, जिसके हेडक्वार्टर होंगे न्यूयॉर्क में, तो इसमें एक सेंटेंस याद रखना है, एक तो न्यूयॉर्क शहर में जिसके हेडक्वार्टर हैं, एक लंदन शहर में, इन दोनों के सेंटेंस याद रखने हैं। इसका सेंटेंस है यूएन चाइल्ड इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क, यूएन चाइल्ड इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क। सबसे पहले आता है इसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, यूएनओ का कहाँ पर आएगा हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, तो चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड यूनाइटेड नेशन कहाँ पे आएगा, ये भी न्यूयॉर्क में आएगा। उसके बाद सिक्स्थ रूल है जो, इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड विद इकोनॉमिक और एजुकेशनल, अगर इकोनॉमिक से रिलेटेड है या एजुकेशनल से, तो पेरिस में उसका हेडक्वार्टर होगा। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट पेरिस में होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इसको थोड़ा ब्रीफ में इसको बात करते हैं तो ये है यूनेस्को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका भी कहाँ पर होगा, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर होगा। कुछ अब हेडक्वार्टर वो बच गए हैं जो नए गो थ्रू होंगे तो आसानी से वो याद होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी की हम बात करेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये मनीला में है, फिलीपींस में। ओके, तो ये कहाँ पर है, जैसे इसमें है मन तो लास्ट में भी है अन, तो एशियन का कहाँ पे है, मनीला, फिलीपींस देश है। ओके, उसके बाद है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, एशियान जो एशियान है उसका कहाँ पे है, वो जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। ओके, कहाँ पर है उसका, जकार्ता में। उसके बाद है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का कहाँ पर है, इटली, रोम में। आपको एक बात बता दें कि जो भी फूड से रिलेटेड चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, वो रोम इटली में ही होगा, कहीं नहीं है, और सिर्फ रोम इटली में आपको आंसर लगाना है। उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ICJ, इसका कहाँ पे होगा, इसका होगा नीदरलैंड में, द होग। ओके, उसके बाद है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, सार्क का जो होगा वो है काठमांडू में, और काठमांडू कहाँ पर है, नेपाल में। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो, जो आपके लिए ट्रिक के हिसाब से हमने हेडक्वार्टर्स को आपके याद कराने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी आगे ऐसी अच्छी वीडियो आए आपके पास जल्द से जल्द वो पहुंच सके। थैंक यू।